एवरीवन, सत श्री अकाल। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सिमरन के घर से, क्योंकि मैं इसके घर आई थी और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। यार गुंजन, इतनी गंदी लग रही है ना मैं बीच में। प्यारी तो लग रही है मेरी आंखों से, देख हो गया काम। चीयर्स, कर लेना उसको कॉल। भाई सुबह से बैक टू बैक कॉल पे तो मेरी जिंदगी, तो मेरे को तो ये फोन पसंद नहीं आता आजकल। अभी हम लगा रहे हैं नेल पेंच। दे दे नेल पेंट दिखाओ। वाओ, अच्छा तो लगाएंगे। फ़ोन रख देंगे हम चार्जिंग पे, बाद में हम करेंगे कंटिन्यू व्लॉग। पजामा तो प्यारा तेरा, पांडा वाला पांडा इस पे। और क्या दीदी, क्या हो गया? क्या हो गया? ओके थैंक यू। थोड़ा सा चेंज कर लिया, थोड़ा सा चेंज इसलिए की है क्योंकि मैंने ये हुडी चेंज की है। और अभी मेरे को थोड़ा सा मेकअप करना है, थोड़ा सा लिटिल बिट, क्योंकि मुझे एक ब्रांड के लिए वीडियो शूट करनी है। तो थोड़ा नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए। वैसे ऐसे भी बुरी नहीं लग रही, ऐसे भी शूट कर सकती हूँ। देखती हूँ, मन करेगा तो थोड़ा बहुत कर लूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। मिस टेलो हमारी वीडियो शूट कर देंगी, जब तक हम ब्रांड की प्रमोशन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना व्लॉग कंटिन्यू। वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे तो लग नहीं रहा मुझे ज़रूरत है मेकअप की, ऑफ द सेल्फ ऑब्सेशन। तो या लेट्स गेट बैक टू वर्क। खोल के दिखाती हूँ उसको। तो ये बॉडी बटर है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत थिक है और ये है भी बहुत अच्छा। इसमें कोई फ्रेगनेंस वगैरह भी नहीं है। अगर आपको फ्रेगनेंस नहीं पसंद, मेरे को तो वैसे पसंद है, बट हाँ इसमें नहीं है। तो जो इसका प्राइस है वो है 650 रुपीज़। जो बॉडी स्क्रब है उसका भी सेम प्राइस है। और ये यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें है एक्वा आमंड ऑयल। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट में होता है, और सेकेंड है आमंड ऑयल, फिर है ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल, सोयाबीन, शिया बटर, कोकोआ बटर, साइट्रिक एसिड, सब कुछ बढ़िया है इसमें। और ये स्कोप भी मिला था मुझे इसके साथ, कि मतलब ऐसे स्कोप से निकाल लो और लगा लो। तो नेक्स्ट है ये वॉल्केनिक लावा एश बॉडी स्क्रब। ये दिखा, एक तो ये बहुत ही बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा है। और हाँ मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ तो इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, बट इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी लगी। इसमें है फ्रेगनेंस थोड़ी, बट ये बॉडी स्क्रब काफ़ी अच्छा है। मतलब जब इसको स्क्रब करते हो ना, ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, हाइलरोनिक नहीं, ये है हाइड्रोसीड सोयाबीन, सॉरी। और इसमें है वोल्केनिक लावा ऐश, मुझे पता नहीं क्या होता है, बट आई गेस लावा के जो ऐशेज होते हैं वही होता होगा। जितने गाइस गाइस क्या कर रहे हो? गुजरेला गाजर गलवा। तो अभी हम वॉक पे आ गए हैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करके, फिर अभी हमें थोड़ा शॉपिंग पे भी जाना है। शॉपिंग पे जाएंगे, फिर फ्लोरिस्ट के पास भी जाना है क्योंकि मुझे फ्लावर्स लेने हैं। तो देखो अच्छे फ्लावर्स होंगे तो ले लूँगी, और अगर नहीं होंगे तो फिर तो मुझे सुबह ही लेने पड़ेंगे। तो चलो पहले चलते हैं शॉपिंग पे। तो फ्लावर्स मैं सोच रही हूँ सुबह ही लूँ, तो मैं अभी रख रही हूँ। और ये यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं मग्गे बिल्ले। घर हम आ गए थे एंड मैं अभी थोड़ा पैक वैक कर रही थी सुबह के लिए, क्योंकि आई हैव टू स्लीप अर्ली टुडे, क्योंकि कल मेरा मेकअप है सुबह के। तो अभी से मैं अपना प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी ताकि सुबह मेरे को ऐसे हसल ना करना पड़े। तो अभी मैं ये व्लॉग यहीं पर थोड़ा पॉज कर रही हूँ और मैं सुबह कंटिन्यू करूँगी इसको। मैंने अपना फेस वॉश किया है और मैं लगाने वाली हूँ फेस मास्क, क्योंकि मैंने चाहती मैं टायर्ड दिखूँ, जो कि अभी मैं दिख रही हूँ। तो आई वॉन्ट कि सुबह उठूँ तो थोड़ा फ्रेश दिखूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे लेज़ी बन के नहीं जाती मेकअप पे, क्योंकि अगर मैं लेज़ी हूँगी सामने वाला बंदा मुझे देख के ऐसे लेज़ी सो जाता। इसलिए मैं एकदम फ्रेश होके अच्छे से तैयार होके फिर जाती हूँ, क्योंकि आपका इम्प्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोफेशन में। तो यू शुड गेट रेडी एंड गो। सो एक तो ये मास्क लगा के इतना मज़ा आता है ना, इतना सूदिंग है ना ये मास्क। मैंने अच्छे से लगा दिया और ये पता नहीं किस खुशी में पटाखे बज रहे हैं बाहर पर, बज रहे हैं आज। आज कुछ है नहीं, बंद हो गए। तो अभी मास्क मैंने लगा दिया, इसके बाद मैं लिप स्क्रब करूँगी और तब तक मैं बुक रीड करूँगी। जब तक मैंने मास्क लगाया हुआ है 20-25 मिनट, और अपनी जर्नल लिखूँगी साथ साथ। तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए,
कुछ ना कुछ करते रहो बैठ के, या तो रिलैक्स कर लो या कुछ कर लो. तो आई प्रेफर कि मैं भी बुक रीड करूँ जो मैं पढ़ रही हूँ, और अपनी जर्नलिंग कर लूँ साथ साथ. और अभी मैं कर रही हूँ लिप स्क्रबिंग. तब तो मैं एकदम बंदर रही हूँ क्योंकि ये स्क्रब है, तो ये छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स होते हैं इसके अंदर, और मतलब डेड स्किन हटाता है ये लिप्स की. तो और लिप्स सॉफ्ट भी होते हैं और थोड़े सपल प्लम्प से हो जाते हैं, तो मतलब करना चाहिए लिप स्क्रब. आई एम डन विद माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, और अब मैं सो जाऊँगी. जल्दी सोने की कोशिश करूँगी क्योंकि कल जल्दी उठना है. सो आई विल टेक यू गाइस विद मी. तो आप भी देखना, तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी जितना भी मेकअप करूँगी, बट थोड़े थोड़े ग्लिम्स में उसमें दिखा दूँगी मैं कर क्या रही हूँ, तो देखना. और बाकी अगर आपने मेरे और मेकअप्स वगैरह देखने हैं और यू वांट टू सी व्हाट आई डू, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स मेक ओवर्स बाय नूर. तो दोनों ही मेरे यूट्यूब का नाम और मेरा इंस्टाग्राम का नाम बिल्कुल सेम है, किसी को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो वहाँ देख सकते. मॉर्निंग, तो अभी मैं उठ गई हूँ एंड अभी मेरे को नहाना धोना और तैयार होना है, तो अभी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी. आवाज़ भी निकल रही मेरी अभी. बाय, मैं हो गई हूँ और मेकअप थोड़ा लेट हो रहा है तो मुझे निकलना होगा. तो बस चल रही है हम काम पर, ठीक है बाय, करते हैं वहाँ जाके थोड़ा बहुत शूट. तो यहाँ हमने पूरा सेटअप कर दिया है. काफ़ी थक गई हूँ, तो घर में आ गई थी. आते ही मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, दोपहर ही हो गई थी ऑलमोस्ट, तो मैंने खाना खाया. उसके बाद आई एम जस्ट हैविंग माई ग्रीन टी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, क्योंकि मेरी कमर बुरी तरह से दर्द हो रही है इस टाइम पे. कप काफ़ी अच्छा रहा, द क्लाइंट वॉज वेरी स्वीट, और उसकी भाभी थी वो भी बहुत बहुत प्यारी थी. तो मतलब जब ऐसे क्लाइंट्स हो तो काम करने में भी मज़ा आता है हमको. पर एनी वेज इट वॉज अ गुड डे एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट. बट अभी तो बस हो गई है मेरी, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ. होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज माई चैनल इज़ न्यू. एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स मेक ओवर्स बाय नू, सेम हैंडल है दोनों का. तो अभी के लिए बाय.